पता नहीं कैसे ये वैन नुआन इतनी आसानी से सीईओ के असिस्टेंट बन गई। आप तो मिस्टर जैन की गर्लफ्रेंड है ना, इससे पहले कि देर हो जाए आपको कुछ करना चाहिए। तुम्हें मेरी मदद चाहिए इसलिए ये सब बता रही हो ना मुझे, लेकिन भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो पहले खुद की मदद करता हो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? भले ही मुझे न्यू स्टाफ ट्रेनिंग में भेज दिया हो, फिर भी मैं काम की हूँ। सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। तुम बस मेरी मदद करो, वैन नुआन को यहाँ से मैं निकलवाऊंगी। लैंड रुफेंग ने बिडिंग प्राइस बढ़ा दिया है, तो उस हिसाब से चियानियू का एस्टिमेटेड बिडिंग प्राइस होगा करीब 300 मिलियन पाउंड कैश और करीब 200 मिलियन पाउंड के कंपनी शेयर्स। हमारे हिसाब से अल्फा का बिडिंग प्राइस करीब 380 से 400 मिलियन पाउंड के बीच होगा, लेकिन फिलहाल हमारा कैश फ्लो इसके मुकाबले काफी कम है। इस प्राइस के हिसाब से हमारे फंड्स में बहुत बड़ा गैप है, कैसे करेंगे? फंडिंग का मामला मैं संभाल लूंगा, तुम सब लोग बस बिडिंग की तैयारी करो। ठीक है। वैन नुआन, तुम्हारे लिए दवाइयां लाई हूँ, जुखाम के लिए, पेट दर्द के लिए बैंडेड्स भी हैं, इन्हें अपने साथ ले जाना। वैन रूथ, तुम ये सब क्या कर रही हो? मैं इंग्लैंड में 7 साल अकेली रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, चिंता तो होगी ना। इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है? मेरी बहन पे तो सब अच्छा लगता है। तुमसे तो पूछना ही बेकार है। तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लेकर आऊँ बताओ? चियांजियो और दाईजों के बीच इस वक्त जो हालात हैं, तुम इस ट्रिप पर इतनी बिजी होगी कि शॉपिंग का तो तुम्हें वक्त ही नहीं मिलेगा। वैसे बिजी की बात करें, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही ओवर टाइम कर रही हो, राइट? तुम जानती हो मेरा काम कैसा है, हर घंटे हर पल क्लाइंट के कॉल के लिए तैयार रहना होता है। एनीवे, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं हमारे लिए कमा सकती हूँ। ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। अच्छा नुआन, इस ट्रिप पर जाने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे दिक्कत क्यों होगी? मैंने तुम्हारी दी हुई दवाइयां भी रख ली हैं, इतनी चिंता मत करो प्लीज। तुम्हारी चिंता करने के अलावा और भी काम है मुझे। अच्छा सुनो, कौन सा बताओ ना। लाइट कलर वाला, मुझे ये रंग पसंद है। ये लो, यही चाहिए था ना तुम्हें? क्या तुम सच में लिनलू को ये बिडिंग प्राइस देना चाहती हो? एक बार फिर से सोच लो, ऐसा किया तो ज़ेन नानजियान का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चियानयू के लिए ये बस एक हारी हुई डील होगी। मुझे नानशान की काबिलियत और इस कंपनी पर पूरा भरोसा है, लेकिन किसी का वहां से निकलना जरूरी है। मैंने देखा है कुछ मामलों को लेकर तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल लिनलू जैसा ही है। अच्छा है। Cheers. Cheers. देखिए, चाहे कोई भी अल्फा प्रोजेक्ट को एक्वायर करें, मुझे यकीन है प्रोजेक्ट बहुत सफल होगा। अभी चियानयू और डाइजोंग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुनने के बाद मैं अल्फा के भविष्य को लेकर निश्चिंत हो गया हूँ।
हो गया। We are really confident. Exactly. एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, एक घंटे में हम यही ऑफिशियल बिडिंग आपके साथ शुरू करेंगे। वक्त पर आ जाओ। ओके ओके। क्या बात है? मेरे साथ चलो। सुन ले लो, अभी नहीं प्लीज। चलो। वापस आओ। काम के साथ साथ पेट पूजा भी तो जरूरी है ना। मैं फोन रख रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ, यहाँ देर मत करना। मिस्टर ज़ू, ऐसी बोली लगाकर आपका नुकसान हो सकता है। मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। अल्फा के इंटेंजिबल असेट्स से भविष्य में हमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और मुझे अपने फैसले पर किसी भी तरह का शक नहीं है। मिस्टर ज़ैन, अल्फा का एक्विजिशन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपको यकीन है इतनी कम फंडिंग के साथ आप लंबे समय तक इसे प्रॉफिटेबल बनाए रख पाएंगे? मिस्टर लैंग, आपके सामने रखा हमारी कंपनी के पिछले साल का ऑडिटिंग प्लान है। उसे पढ़ने के बाद जरूर आपका हमारी कंपनी पर विश्वास बढ़ गया होगा। ठीक है, मैं मेरा फाइनल डिसीजन सुनाता हूं। मिस्टर ज़ैन, हम अगली बार साथ काम करेंगे। जैसा आप ठीक समझे। चिंता मत करो, मेरे जैसे बूढ़े आदमी को तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों की काफी जरूरत पड़ती रहती है। मिस्टर ज़ू लिनलू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्फा अब आपका हुआ। हमारी टीम साथ में अच्छा काम करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैं आप सबको कल अपने घर चाय के लिए इनवाइट करता हूँ। सी यू टुमारो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। हाँ वैसे वेनुआन, तुम्हारी बहन वेनराव की समझदारी की वजह से हम ये बिट जीत पाए हैं, उसे थैंक्स कहना। चलता हूँ, बाय।